नमस्कार व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आलू की स्टफ मिर्चें। ये मिर्चें, मोटी मिर्चें मार्केट में बहुत आ रही हैं, तो इसकी रेसिपी लेके आई हूँ मैं। और आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, आलू की भरवा मिर्च बनाने जा रहे हैं, तो उसकी रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ले लिए 250 ग्राम मिर्च। मिर्च इस तरह की होनी चाहिए, मोटी मिर्च। आजकल मार्केट में बहुत आ रही है इस टाइप की मिर्च, तो ऐसी मिर्च होनी चाहिए। और उसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं, 4 आलू उबले हुए और ठंडे किए हुए। उबाल के फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिए थे मैंने आलू, तो उबाल के ठंडे आलू ले लिए मैंने ये। और मसाला ले लिया है, हल्दी लूँगी चुटकी भर, थोड़ा सा मिर्च डालूँगी, कोरिएंडर पाउडर है, ड्राई मैंगो पाउडर है और सॉल्ट है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लें आप। और इसमें स्टफ जब आलू का मैं करूँगी तो उसमें थोड़ी सी बारीक प्याज भी डालूँगी, अनियन डालना है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डालें और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। पूरी सामग्री मैंने आपको दिखा दी और अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने धो के और साफ़ करके ये ले लिए पोंछ के। और पोंछ जरूर लें धो के, क्योंकि जब इसको तेल में डालेंगे तो चटकेगी ये और ऊपर छींटे आएंगे। तो ये देखिए इस तरह बीच में इसकी चीरा लगा लें, स्लिट कर लें इसको, और चाहे तो इसके ऊपर का ये डंठल भी काट लें। तो ये देखिए सारी मिर्चें इस तरह स्लिट कर लूँगी मैं। ये देखिए इस तरह, इसमें बीज भी नहीं होते हैं तो बीज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए बिल्कुल बीज नहीं है इसमें, और ये तीखी नहीं होती है मिर्च। सबसे स्पेशल बात यह है कि ये मिर्च तीखी नहीं होती है। तो ये देखिए मैंने स्लिट कर ली, और इसी तरह मैं सारी मिर्च स्लिट कर लूँगी। तो ये देखिए सारी मिर्चों में मैंने चीरा लगा लिया है, बीज में से ऐसे स्लिट कर लिया है। तो ये सारी मिर्चें रेडी है मेरी। और अब बनाएंगे हम आलू का मसाला। तो इसके लिए आलू, उबले आलू हैं, इनको हाथ से इस तरह मैश कर लेंगे। मैशर से भी कर सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं आलू को, लेकिन मैं इसको हाथ से ही कर रही हूँ। और इस तरह पूरे आलू मैश करके आपको दिखाती हूँ। आलू मैंने मैश कर लिए हैं सारे, और ये जो मसाला मैंने डाला था, रखा था यहाँ और आपको दिखाया भी है, तो ये सारे मसाले इसमें डाल लेंगे। और इस मसाले को भी मिला लेंगे। और इसमें प्याज बारीक काट रखी है मैंने, इसको भी इस तरह मिला लूँगी। तो आपको मिला के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मसाला भी रेडी है और मिर्च भी रेडी है। तो अब इस तरह इसको, इस मसाले को मिर्चों में भर लेंगे। व्यूअर्स, 5 मिनट की रेसिपी है लेकिन खाने के जायके को दुगना कर देगी है। जहाँ आप 2 रोटी खाना चाहेंगे वहाँ 2 की जगह 3 भी खाएंगे, 4 भी खाएंगे। और ये देखिए बहुत इजी है। आलू वगैरह घर में ही होते हैं, सारी सामग्री घर में मिल जाएगी आपको जब भी आप बनाना चाहें। और सिर्फ इसी मिर्च का नहीं, थोड़ी भी मोटी मिर्च हो जिसमें मसाला भरा जा सके उसमें भी आप इस तरह आलू भर के बना सकते हैं। और आलू की जगह पनीर भी भरा जा सकता है, कई ऑप्शन है इसके। मैं आज आलू भर के दिखा रही हूँ, पनीर की मिर्च भी आपको बना के दिखाऊंगी मैं। ये देखिए इस तरह मैं सारी मिर्चें भर लूँगी। ये देखिए आपको दिखाई है 3 मिर्चें, और इस तरह मैं ये सारी मिर्चें भर के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारी मिर्चें भर के तैयार कर ली हैं।
और मोटी मिर्चें हैं इसलिए अच्छे खासे इसे क्वांटिटी में आलू आ जाते हैं, तो आलू मिर्च की सब्जी भी बोल सकते हैं इसको। और किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं है आपको, रोटी खाते वक्त पराठे रोटी किसी से भी ये खाए जा सकते हैं, तो इसके अलावा और किसी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी खुशी है कि और कोई सब्जी आप लें, लेकिन खाली इससे भी रोटी पराठे खाए जा सकते हैं और चावल से भी अच्छा लगेगा, रोटी पराठों से भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करूँगी मैं। ये देखिए इधर मैंने तेल गर्म करने रख रखा कढ़ाई में, और अब इसमें एक एक करके सारी मिर्चें डाल दूँगी। इजी रेसिपी है और 5 मिनट की रेसिपी है ये, कुछ भी ना हो घर में जब सब्जी वगैरह, और रोज़ रोज एक ही सब्जी खाते हुए बोर भी हो जाते हैं, तो फॉर द चेंज आप इसको बना के खा सकते हैं। तो ये देखिए डाल दिए मैंने सारे डिस्टर्ब मिर्च थी, अब इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी मैं और आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, और आपको 2 मिनट बाद दिखाती हूँ। तो चलिए चेक करते हैं मिर्च बन गई है या नहीं। तो ये देखिए मिर्च रेडी हो रही है, मोटी मिर्च है इसलिए ढका है मैंने, क्योंकि इसको थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगता है। ये देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। ये देखिए मिर्च बहुत अच्छी सिक के तैयार हुई है, तो आपको पूरी तरह सेक के और प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मिर्च कैसी बनी है। ये देखिए ढक के पकाया था मैंने और फ्राई भी बहुत अच्छे से हो गई है, तब इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। प्लेट में निकालती हूँ मैं इसको। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने आलू की स्टफ मिर्च बनाई थी तो उसकी प्लेटिंग कर दी है। ये देखिए कितनी शानदार बनी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ज़रूर बनाएं। जब आपको कोई भी सब्ज़ी अच्छी ना लग रही, उसका टेस्ट अच्छा ना लग रहा, सब्जियों का खा खा के रोज़ बोर हो जाते हैं कि सब्ज़ी, तो आप चेंज के लिए ये रेसिपी बना सकते हैं और फटाफट बनती है। और इस टाइप इस तरह की मिर्चें आ रही हैं, इससे यदि कम भी हो मिर्च मोटी तो उसमें भी आलू भरे जा सकते हैं और या कोई भी स्टफिंग की जा सकती है। तो आप ये मेरा वीडियो पूरा देख के और ये रेसिपी बनाएं ज़रूर, और मुझे बताएं कि कैसी लगी कमेंट में। अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में एक छोटी सी घंटी आती है, तो आप उसको भी क्लिक करें ताकि मैं कोई भी रेसिपी अपने चैनल पर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लाने तक टेक केयर, बाय बाय।